नमस्कार, लर्निंग विद जावेद अंसारी में आपका स्वागत है। ई ऑफिस के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने अपने अधिकारी महोदय से फाइल स्कैनिंग के संबंध में जो नोट लिखा था और उस पर उन्होंने आदेश दिए थे, तो उस पर हम एक ड्राफ्ट अपने अधिकारी महोदय को पुटअप करेंगे और उस ड्राफ्ट पर उनके साइन लेकर आदेश प्राप्त करेंगे। नोट लिखने के लिए हमें जाना होगा अपने इनबॉक्स। इनबॉक्स में ई ऑफिस न्यू फाइल क्रिएशन प्रोसेस, ये फाइल हमारी कंटिन्यू करते हैं। इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखिए, हमें जो निर्देश मिले थे अपने अधिकारी महोदय से, पत्र में दिए गए निर्देशानुसार फाइल स्कैन का कार्य शुरू करें एवं संबंधित को स्कैन हेतु पत्र जारी करें। तो आइए हम इस नोट को लिखते हैं। इसके लिए हमें ड्राफ्ट में जाना होगा। ड्राफ्ट पर दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, व्यू ड्राफ्ट। क्योंकि हमें एक ड्राफ्ट लिखना है तो इसलिए क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक किया। जैसे ही हम एड न्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं, ये विंडो खुली। इसमें ये वर्ड नुमा जिस तरह से वर्ड में है उसी तरह से ये एक विंडो ओपन होती है। इसमें हम तीन तरह से अपना ड्राफ्ट अटैच कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे नंबर एक, हम इसमें सिंपली टाइप कर सकते हैं। एज पर योर, इस तरह। दूसरा, हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड में ही हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो पीडीएफ फाइल, दूसरी वर्ड की फाइल। जहां तक मेरा समझना है, मेरा मानना है, हमें वर्ड की फाइल को अपलोड करने के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी पीडीएफ में कोई कमी है तो उसको ठीक करना मुश्किल है और उसको हमें दूसरा ही नोट, पूरा नोट दूसरा लिखकर लगाना होगा। तो आइए हम इसमें फाइल अपलोड करते हैं। ये मैंने एक ड्राफ्ट लिख कर रखा हुआ है। ये कह रहा है, अपलोड वर्ड डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड इन नॉन एडिटेबल फॉर्मेट आफ्टर सेविंग द ड्राफ्ट। टू एडिट द अपलोड डॉक्यूमेंट यूजर हैज टू डाउनलोड मेक नेसेसरी चेंजेस एंड री अपलोड। मीन्स के हम जो भी डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर देंगे उसको हम एडिट नहीं कर सकते। यदि हमें उसको एडिट करना है तो हमें उसको डाउनलोड कर कर उसमें एडिट करेंगे और उसके बाद दोबारा अपलोड करेंगे। ओके, हम ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा लेटर इसमें अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद हमें ये मेटा डाटा फिल करना होगा। मेटा डाटा के लिए जो रेड मार्क हैं, रेड स्टार हैं, वो मैंडेटरी कॉलम हैं, तो हम मैंडेटरी कॉलम भरते हैं। नंबर एक, ड्राफ्ट टाइप न्यू, न्यू ड्राफ्ट है, हम ये न्यू ड्राफ्ट। लैंग्वेज हमारी हिंदी है, हम हिंदी चूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आ गया इसमें, ई ऑफिस न्यू फाइल क्रिएशन प्रोसेस मिनिस्ट्री। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें भर देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेम, नेम इसमें एक बार फिर ध्यान दीजिए, ये हमारा स्टार तो है लेकिन रेड नहीं है, ये ऑरेंज कलर का
स्टार है, तो इसमें से हमें नेम या डेजिग्नेशन में से एक भरना मैंडेटरी है। अगर हम दोनों भर देते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक भरना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन एड्रेस, एड्रेस ऑफिस ऑफ इज्जतनगर। मैंने मैंडेटरी कॉलम फिल कर दिए हैं। आप चाहें तो और जो कॉलम है ऑप्शनल उन्हें भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखना है एक अटैच फाइल का है, अगर आप इसके रेफरेंस में कोई लेटर अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। चलिए एक लेटर भी अटैच करके देख लेते हैं। जिस लेटर के रेफरेंस में हमने लिखा था उस लेटर को अटैच करते हैं, अटैच ए फाइल। ये देखिए स्कैनिंग गाइडलाइन। ये स्कैनिंग गाइडलाइन पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ है और यहाँ है, आप कहीं से भी इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया। अब हम इसमें कोई भी एक बार अपलोड करने के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी है, हम इसको अभी भी एक बार और एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके करेक्शन करेंगे और दोबारा अपलोड कर देंगे। अब देखिए आपको ये एक डाउनलोड के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है और एक यहाँ, इन दोनों में फर्क ये है, यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और इसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये वर्ड की फाइल में डाउनलोड होगा। तो आइए यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये देखिए सेव। आइए इस फाइल को ओपन करते हैं। हमें जो भी करेक्शन करना है वो हम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ डेट मैंने नहीं डाली थी, ये डेट डालते हैं। ये डेट डाल दी। और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको एडिट में जाते हैं और अपलोड। अब ये हमारा ड्राफ्ट कहाँ पर है? ये ड्राफ्ट हमारा डाउनलोड में, और ये है। ये देखिए ये हमारा अपडेटेड ड्राफ्ट आ गया, उसमें हमारी डेट नहीं थी, इसमें डेट हो गई। तो इस तरह से हम एक ड्राफ्ट को और इसके साथ संबंधित लेटर भी हम लगा सकते हैं। इसको हमें एक बार फिर सेव करना होगा। सेव करने के बाद यहां देखिए अभी भी क्विक व्यू और प्रीव्यू। प्रीव्यू में ये डाउनलोड हो जाएगा ड्राफ्ट हमारा, और क्विक व्यू में ड्राफ्ट टीओसी। ये रहा हमारा ड्राफ्ट। ये देखिए ये देखिए दिस फाइल हैज ब्लैंक नोट, डू यू वांट टू रिप्लाई दिस फाइल?
अगर आप ओके करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट में, ग्रीन नोट में कोई भी नोटिंग नहीं डाली है, तो ये मुझे बता रहा है। ये मैंने ऐसा जानबूझकर किया है कि कभी इस तरह हो तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और मैं ग्रीन नोट में नोट ऐड करता हूँ। जब भी हमें कहीं पर भी हम हैं और हमें जब भी कोई ग्रीन नोट में नोट ऐड करना होगा, तो कॉरेस्पॉन्डेंस साइड, कॉरेस्पॉन्डेंस और नया नोट, ग्रीन नोट ऐड करने के लिए ऐड ग्रीन नोट। अब यहां पर हम अपने नोटिंग लिखते हैं। नोटिंग लिखने के लिए मैं टाइपिंग पीरियड स्किप कर रहा हूं। अब ये लिख दिया, एज पर योर ऑर्डर नोट नंबर 8, अटैच ए लेटर फॉर योर सिग्नेचर प्लीज। यहां पर नोट नंबर 8 को भी मैं, जिस तरह से हमने पहले हाइपरलिंक किया था कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में सीपी को, वैसे ही हम नोट को भी प्रीवियस नोटिंग पे गए। किस नोटिंग के रेफरेंस में हमें लिखना है? नोट नंबर 8। स्टार्ट फाइल स्कैनिंग वर्क। पत्र में दिए गए निर्देशानुसार इसके संबंध में हमने एक लेटर लगाया था, तो इसको हम लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए वही रेफरेंस, रेफरेंस के बाद ये देखिए, ये कह रहा बाई पेज नंबर, बाई नोट नंबर। तो यहाँ हम नोट नंबर को सेलेक्ट करते हैं और चूज नोट नंबर 8 और ओके। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया, ये हमारा एक लिंक क्रिएट हो गया। अब हम इसको सेंड बैक करते हैं। ये देखिए, सेंड बैक, या हम रिमार्क दे देते हैं, फॉर योर अप्रूवल एंड सिग्नेचर। और सेंड कर देते हैं। इस तरह हमने एक नोट तैयार करके, एक जो भी हमें आदेश मिले थे उसके संबंध में एक लेटर तैयार करके उसको हमने अपने संबंधित सक्षम अधिकारी को भेज दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सक्षम अधिकारी इस पर कैसे साइन करते हैं, और अगर वो चाहें तो इसमें किस तरह से, और चेंजेस, अगर वो इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं तो वो स्वयं भी इस संशोधन को कर सकते हैं, या हमें फाइल को बैक करके कह सकते हैं कि इसमें आप ये संशोधन करके हमें भेजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।